देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि कुछ लोगों के जहन, सबकी बात नहीं, कुछ लोगों के जहन में ऐसा आ रहा है कि मस्जिद में जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की वजह से। जैसे यूट्यूब पे जो दर्स हो रहा है और इसी तरह से तकरीरें हो रही हैं, तो अब लोग सोचते हैं कि मस्जिद में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये सोशल मीडिया कभी भी इसकी जगह नहीं ले सकता। हमारी मसाजी में जो दुरूस होनी चाहिए, जो तकरीर होती है, जो वाज़ो नसीहत होती है, उसकी जगह कभी भी सोशल मीडिया नहीं ले सकता। इसलिए किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि अब यूट्यूब है, वहाँ पे तकरीरें हैं, वहाँ पे उलमा है, सब कुछ है, तब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सही मुस्लिम की एक हदीस है, मजतमा कौम फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह व यतदारसून, कि जो कौम भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठे कुरान की तिलावत करे, आपस में एक दूसरे के साथ उसका मुजाकरा हो, तो उन पे सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वज़ाकरहुमुल्लाह फ़ीमन इंदहु, और अल्लाह के पास जो लोग होते हैं अल्लाह ताला वहाँ उनका तذکرہ करता है। तो ये कुरान पढ़ने पढ़ाने की मजलिस कहाँ हो, मस्जिद में होगी, तब उसकी फजीलत बयान की गई। सोशल मीडिया पे इसकी फजीलत नहीं मिलने वाली है। और हकीकत में मस्जिद में जहाँ सामने लोग हों, बैठ के एक दूसरे से बात करें, वहाँ पे सुने, तो उसकी जो बरकत है, उसकी जो फजीलत है, वो यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए उसका बदल नहीं समझना चाहिए। आप देखें, आजकल मसाजिद में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है मामला, जो दावती निज़ाम था, दरस व दुरूस का मामला कमज़ोर होता जा रहा है, और लोग उसको बहुत ही हकारत से देखते हैं और समझते हैं कि इससे अच्छा दरस तो वहाँ है, वहाँ सुन लेते हैं, वहाँ, बल्कि कितने सालों के कहते हुए नजर आते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से कि फलां को नहीं, यानी फलां को नहीं सुनना, फलां को नहीं, बल्कि कोई तो ये कहते था कि पूरे मुल्क में कोई सुनने लायक है ही नहीं, पूरे मुल्क में कोई सुनने लायक ही नहीं। तो फिर क्या बचा, एक ही चीज़ बची कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, किसी एक शेख को फॉलो कीजिए और उनसे चिमटे रहिए, बाकी पूरे मुल्क में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिससे आप इल्म सीख सकें। तो यहाँ तक ये मामला है। तो देखिए, जो लोकल उलमा है, जहाँ आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ना, खासतौर से जो मस्जिद है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इबादत के लिहाज से भी और तालीम के लिहाज से भी। ऐसा ना हो कि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए बन जाए और जो तालीम, दरसो तदरीस, जो तस्किए की के लिए जो दरसगाह होती थी मस्जिद, ऐसा नहीं कि वो अब सब हम उसको ट्रांसफ़र कर दें सोशल मीडिया पे, वहाँ से हम ये सब सीखेंगे। ये पहली बात। दूसरी चीज़ ये देखें, आप मदारिस का जो निज़ाम है, मदारिस के जो फ़वाद हैं, तो हम ये ना समझें कि बहुत सारे मशायख सोशल मीडिया पे मिलते हैं, उनकी आईडीज़ हैं, उनको हम फॉलो करें, उनकी तकरीर सुने, उनका यूट्यूब चैनल है, तो अब उनसे हम सीख लेते हैं, तो अब किसी मदरसे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी उस्ताद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर यूट्यूब पे कोई उस्ताद सिखा रहा है, कोई भी, चाहे तफसीर सिखा रहा है, हदीस सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, और एक मदरसे में बैठकर किसी उस्ताद से कोई तफसीर सीख रहा है, हदीस सीख रहा है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। तो उसमें जो बात है एक उस्ताद के सामने बैठ के सीखने की, वहाँ जो लज्जत है और वहाँ जो बात जहन में बैठती है, उसकी जो बरकत है, वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं मिल सकती है। इसलिए जिनके लिए ये मुमकिन है कि वो किसी मदरसे में पढ़ सकते हैं या अपने इलाके में किसी जो है उस्ताद से जाके पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीखना हो, तो उस तरीके को अपनाना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया किसके लिए, मजबूर लोगों के लिए ना, यानी जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मदरसे में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास उलमा नहीं है, कोई ऐसा मसला है, मजबूर है, वो लोग जाके इस्तेफादा करें, या कोई मतलब अहम चीज़ किसी को मालूमात हासिल करनी है किसी, तो जाके देखें। लेकिन असल उसको नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो असादिया से ताल्लुक़ है मदारिस में, या पहले जो ताल्लुक़ होता था, चाहे मदारिस के असादिया हों, चाहे ऐसे ही अपने इलाके के जो असातिया हों, उनसे जो ताल्लुक़ होता था, वो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये चाहे चाहे वही सेम आपका उस्ताद हो, तो उस उस्ताद से मिल के पढ़ के जो बात आपको मालूम होती थी, वही उस्ताद आके यूट्यूब पे सिखाए, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चाहे सेम शख्सियत हो। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सोशल मीडिया आ गया, अभी सबकी ज़रूरत नहीं, मदरसे की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत नहीं बयान करना चाहिए कि ऐसा लगे कि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।